आपने वीवर से एक जो है वो वादा किया हुआ था, प्रॉमिस, कि सुलेमान खान साहब को पाकिस्तान में लेके आएंगे। अब क्या आप कहना चाहेंगे, आज न्यू ईयर क्योंकि पुरवकार तकरीब भी है, नया साल भी आ रहा है, तो कब तक वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला नए रहे हैं? साल का माशाल्लाह आगाज़ होने जा रहा है, तो इसमें देखें कि ये बड़ा एक अच्छा मौका होता है कि सारे इस खुशियों में शामिल हों। तो मेरे ख्याल में ऐसे ओकेजन्स होने चाहिए कि ताकि सबको एक मौका मिल सके कि एक एक जगह इकट्ठे हों, एक प्लेटफॉर्म से हैं, लेकिन एक अच्छा कंटेंट सामने लेके आए ताकि लोग जिससे कुछ सीख सकें, लोगों को कोई समझ आ सके। लेकिन ऐसी चीज़ कोई भी ना दिखाएं कि जिससे कि लोगों को गलत जो है वो चीज़ हो जाए, लेकिन अच्छा जो इम्पैक्ट उन पर दें। कल दसा जी जी वो भी रही ने, मैं भी रही हूँ। अच्छा गई और राजा ना खाई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा नसीर और इस टाइम मैं गोल्फ माल में मौजूद हूँ। मेरे साथ बहुत ही मशहूर फेमस टिकटॉकर काशिफ साहब मौजूद हैं, जैसा कि आप इनकी पर्सनैलिटी से वाकफ़ हैं, सारी दुनिया को जानते हैं जो टिकटॉक यूज़ करते हैं। आज इन्होंने हमें बड़ी मुश्किल टाइम दिया, इनकी मोहब्बत, मेहरबानी, प्यार इनका हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम खुश नसीबी समझेंगे क्योंकि हम तो टिकटॉक इतना यूज़ नहीं करते लेकिन दुनिया इनको मानती है। तो हम इनसे चंद टिकटॉक के हवाले से भी बात करेंगे और एक बड़ा अहम सवाल भी हम इनसे पूछेंगे जो आपके साथ खुफिया शेयर करेंगे। अभी हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ साहब कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र, आप ठीक हैं? तबीयत सेहत घर में सब ठीक ठाक? जी सब शुक्र है भाई जान। अच्छा सर मुझे ये बताएं, हैप्पी न्यू ईयर के हवाले से ये जो तकरीब मनक़द की गई है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखें माशाल्लाह बड़ी अच्छी तकरीब है, देखें एक नए साल का माशाल्लाह आगाज़ होने जा रहा है, तो इसमें देखें कि ये बड़ा एक अच्छा मौका होता है कि सारे इस खुशियों में शामिल हों। तो मेरे ख्याल में ऐसे ओकेजन्स होने चाहिए कि ताकि सबको एक मौका मिल सके कि एक एक जगह इकट्ठे हों एक प्लेटफॉर्म के, तो ये मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी चीज़ है। मुझे ये बताएं कि जो नौजवान नई नस्ल टिकटॉक पर आना चाहती है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी उनको सिर्फ ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखें टिकटॉक पे आए, एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप में जो किसी चीज़ का टैलेंट है वो आपको दिखाने के लिए बहुत अच्छा ये सोर्स है, लेकिन एक अच्छा कंटेंट सामने लेके आए ताकि लोग जिससे कुछ सीख सकें, लोगों को कोई समझ आ सके। लेकिन ऐसी चीज़ कोई भी ना दिखाएं कि जिससे कि लोगों को गलत जो है वो चीज़ हो जाए, लेकिन अच्छा जो इम्पैक्ट उन पर दें। तो जो लाहौर में हाई कोर्ट में पाबंदी लगाई थी पाकिस्तान में टिकटॉक पे, उसको किस नज़र से देखते हैं? फ्यूचर में ऐसा होना चाहिए या नहीं? जी देखें वो सिर्फ इसी वजह से कि वो भाई लोगों ने कुछ गलत कंटेंट सामने लेके, जिसकी वजह से दो दफ़ा पाकिस्तान में टिकटॉक बंद हुआ है, लेकिन अब पीटीए ने इस बारे में खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी है, लेकिन अब बहुत बेहतर है इस मामले में। अच्छा आपने वीवर से एक जो है वो वादा किया हुआ था, प्रॉमिस, कि सुलेमान खान साहब को पाकिस्तान में लेके आएंगे, अब क्या आप कहना चाहेंगे, आज न्यू ईयर क्योंकि पुरवकार तकरीब भी है, नया साल भी आ रहा है, तो कब तक वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं? जी बिल्कुल इंशाल्लाह, जैसा कि वादा किया तो इंशाल्लाह, पहले भी वादा किया था कि आएंगे ना, जब सब कह रहे थे कि वो नहीं पाकिस्तान आ सकता, मैंने वादा किया था कि अपनी वाम से कि अल्लाह के फजल से उसको लेके आऊँगा, तो लेकिन अभी सलमान भाई इंशाल्लाह नए साल पर नया तोहफा सलमान भाई का देंगे। कब तक भाई? देखिए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से डेट हम नहीं कर रहे, लेकिन इंशाल्लाह ये बस सोचेंगे जल्दी आ जाएंगे। पक्का प्रॉमिस है आप आवाम के सामने? इंशाल्लाह पूरा पक्का प्रॉमिस है। तो नए साल के हवाले से कोई नौजवान नस्ल को आप पैगाम देना चाहें? जी सिर्फ नौजवान नस्ल को ये कहना चाहता हूँ कि आप देखें अपनी माँ बाप की खिदमत करें, एक अच्छा अच्छा काम करें, लेकिन सिर्फ ये चीज़ है कि किसी से जेलस मत हो, अपने आप में ज़िंदगी में जो भी काम करें एक अपनी अच्छी नीयत से करें, किसी को हराने के लिए ना करें, अपनी कामयाबी के लिए करें, तो अल्लाह आपको कामयाबी देगा। मतलब जीतने के लिए काम करें, मस्बत रहते हुए काशिफ साहब का पैगाम है, और कुछ कहना चाहेंगे स्पेशल? बस यही कि बस बाकी सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो, तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह जो भी मेरी ये दिल से दुआ कि जो भी कोई अपनी ज़िंदगी में काम करे अल्लाह उसको कामयाबी दे। चलें काशिफ साहब का टाइम बहुत कीमती होता है हमें दे के, बड़ा मज़ा आया, अच्छा भी लगा गुफ्तगू करके, क्योंकि हम तो यूट्यूब पे आपको पता है काम करते हैं, टिकटॉक कम, लेकिन इनकी वीडियो में टिकटॉक पे ज़रूर डालूंगा, हमारे साथ रहे। जी नाज़रीन माशाल्लाह आज बहुत ही खूबसूरत दिन है, जुमातुल मुबारक भी है, और मेरे साथ एक चांद बैठा है दाएं तरफ, टिकटॉकर मशहूर काशिफ साहब और अख्तर पावा साहब, इनको कौन नहीं जानता पाकिस्तान भर में, पूरी दुनिया में। और चांद है, हैं मेरा छोटा बेटा, ते मैं सूरज है, सूरज है, ते गरम हो बड़े तुसी ते लावा हुंदा ही गरम है, लावा गरम हुंदा है, ऐ देख लो नाज़रीन सूरज एक में गल सुन थाने खोर गल दसा जी जी ओ भी रही ने मैं भी रही हूं ओ माशाल्लाह अच्छा गल सुनो अच्छा और तेरी की सुननी साडी सुननी और तू छाड़ दे साडी सुन लो पाजी तेरी नहीं पाजी सुन लो जे इंटरव्यू लेने ते साडी सुननी पे अच्छा सुनाओ जी सुनाओ दुनिया च कोई सिकंदर नहीं वक्त सिकंदर हुंदा ही अच्छा जद ते सप्पा नु भी प्यारी हुंदी आई लव यू आई लव यू राही ओ दोवें राही रल गए जे भाई और राजा नु ना खाई ओ दोनों राही
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਈ। ਲੋ ਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟਾਈਮ। ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਯਾਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਫੌਰਨ ਪਹੁੰਚੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਕਫ ਹੋ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ।